देखिए, तीन ताल आपको तबले पे सीखना है तो इसमें आपको पता होना चाहिए धा कहाँ पे बजता है, तीन कहाँ पे बजता है, धीन कहाँ पे बजता है। तो 16 मात्रा का तीन ताल होता है जिसमें चार विभाग होते हैं, यानी कि उसके चार पार्ट हमें सुनाई देते हैं जब तीन ताल बज रहा होता है। तो आमतौर पर कहा जाता है कि इसमें 1, 5 और 13 जो हमारी मात्रा आ रही है उस पर ताली है और 9 पर खाली है। तो उस हिसाब से आप देखिए, तीन ताल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक बार ही दिमाग में बिठाना है और एकदम से साफ उसको बजाना है, और उसमें वो कैसे टाइमिंग आती है वो आपको समझना है। तो देखिए, मैं तीन ताल बजा रहा हूँ जिसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ना ना धिन धिन धा। ठीक है, ये 16 मात्रा हैं जी, ये जो कंटिन्यू चलते रहेंगे तो आपको तीन ताल की पूरी लय सुनाई देगी। देखिए किस तरह से धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ना ना धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ना ना धिन धिन धा। तो पूरे बराबर आपको जो बोल हम बता रहे हैं आपको पूरे वही एकदम ठीक बजाने हैं। तो आप देखिए, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, और जैसे जैसे वो थोड़ा सा अपनी लय में आएगा तो आपको तीन ताल पूरा उसमें जो होना चाहिए आपको सुनाई देगा। देखिए किस तरह से आप सुनिए, मैं बजा रहा हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ना ना धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ना ना धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन ना ना धिन धिन धा धा। तो अभी ये देखिए मध्य लय बज रही है, तो इसमें बिल्कुल स्लो भी बज सकता है और थोड़ा मीडियम भी बज सकता है और ज़्यादा और फास्ट भी बज सकता है। वो आप जैसा आप कोई गाने वाले को लय चाहिए आप इसको उस तरह से बजाना सीखेंगे। तो अगर ये तेज बजेगा तो कैसे होगा? अगर और थोड़ा फास्ट होगा तो कैसे होगा? तो इस तरह से आप जो बिल्कुल सिंपल जो बोल हैं अगर आप वो भी सीख जाएंगे तो धीरे धीरे इसमें जो हम और चीजें लगाते हैं हम आपको वो भी बताएंगे अगले वीडियो में, वो कैसे हम इसमें बजाना सीखेंगे। तो आप इस तरीके से इसको सीखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।